हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आज के इस व्लॉग में आप सभी का। तो इस मॉर्निंग का है ये नाश्ता और ये है कचौरी। और हमें अपनी नानी के यहाँ, ये हमारी भतीजी, ये हमारी बहन। सुबह में मस्ती चल रही है और आज हम जाने वाले हैं एक अनोखे मंदिर, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में एक प्राचीन परंपरागत पूजा होती है वहाँ पर। तो अभी जितने भी मामी लोग, नानी लोग, जितने भी गाँव के लोग हैं, सभी लोग एक पूजा का सामान होता है वो सब ले करके गांव के अंदर एक मंदिर होता है, पहले वहां जाएंगे। आप सभी को हम साथ ले चलते हैं, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो अभी हम वो जो गांव के अंदर मंदिर होता है वहां पे आ चुके हैं। यहां पे सब लोग अपना सामान रखते हैं और यहां पे नीम का पेड़ है उनको, और एक पेड़ के ही पास एक मंदिर होता है जिसको लगभग हर गांव में होता है, उसको भुइयन देवी मंदिर बोला जाता है। तो वहां पे सब लोग अपना सामान रखते हैं, जो प्रसाद होता है और जो भी पूजा से रिलेटेड सामान होता है उसको यहां पे रखते हैं। फिर उस मंदिर में सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं और यहां पर ढोलक और मंजीरा और सारी चीज़ें लेकर के इकट्ठा होती हैं। औरतें थोड़ी देर गाना बजाना करती हैं। गाना वाना करने के बाद फिर हम लोग जो मेन मंदिर है जिसको बहुत ही महान और बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है, वहाँ पे जितने भी गांव के बच्चे होते हैं, जितने भी मुंडन होते हैं सारे वहीं होते हैं, लगभग सारे वहीं होते हैं। या फिर कोई मान्यता के तौर पे मानता है कि कहीं और करवाना तो वो लोग वहाँ जाके करवाते हैं, बट मैक्सिमम जितने भी मुंडन वगैरह होते हैं वो उसी मंदिर में होते हैं। तो ये है भुइयन देवी मंदिर। यहाँ पर सभी लोग अभी आशीर्वाद लेंगे और फिर ढोलक बजाएंगे। गाना वाना करने के बाद फिर सारा अपना प्रसाद का सामान और जो भी पूजा से रिलेटेड सामान है उसको लेकर के हम प्राचीन मंदिर को जाएंगे। और ये सब मेरे भाई बहन, कुछ भतीजी भतीजा हैं, और ये रहे सारे तो नहीं है, कुछ बच्चे, जितने भी हैं सब मेरे भाई बहन लगते हैं इनमें से। और यहाँ पे आप सभी लोग गाना बजाना करेंगी। किस किस को गाना समझ में आया है जरा सा भी कमेंट कर देना। यहाँ पे हमारी नानी है, मैक्सिमम नानी है और एक दो मामी है, और अभी धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग जिस भी गांव में रहते हैं या शहर में या जहां पे भी रहते हैं, क्या वहां पे कोई प्राचीन प्रथा है या कोई प्राचीन मंदिर है जहां पे वार्षिक पूजा होती है? अगर ऐसा कुछ आपके पास है, आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी है ना, तो कमेंट कर देना और उसके बारे में बताना ज़रूर। तो यहाँ पे लगभग सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोगों ने माता जी का आशीर्वाद ले लिया है, सभी लोग अपना सामान लेके आ गए हैं और गाना बजाना सब ख़त्म हो गया है। सब लोग अपना अपना सामान लेकर के, जो गांव के बाहर मंदिर है वो थोड़ा सा दूरी पे, लेकिन सभी लोग पैदल ही जाते हैं। जिसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, बीमार है, तो वो जा सकता है रिक्शा, गाड़ी या किसी भी चीज़ से, बट ऐसे सभी लोग पैदल ही जाना प्रेफर करते हैं। और चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, सभी लोग पैदल ही जाते हैं। यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना सामान ले लिया है
और प्रसाद वगैरह पूजा पाठ का सामान लेकर के अब हम लोग चलते हैं जो गांव का प्राचीन मंदिर। आप लोग को देख के पता चल ही रहा होगा कि गांव के जितने भी लोग हैं, मतलब जितनी भी औरतें बच्चे जितने भी लोग हैं सभी, आप देख रहे हैं वो लाइन कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये पीछे लोग भी आ रहे हैं, कुछ अभी पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, ये कुछ लोग पीछे भी। चलो आपको अब सीधे मिलते हैं हम मंदिर पे। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर अब निकल चुके हैं, गांव के बाहर आ चुके हैं। ये है तालाब जो मंदिर से पहले पड़ता है और इस तालाब को क्रॉस करने के बाद मंदिर आता है, लेकिन इस तालाब से होके कोई नहीं जाएगा, इसके किनारे किनारे से रास्ता है, हम लोग वहाँ से जाएंगे। जब हम छोटे थे ना तो जितने भी भाई बहन थे यहाँ पे, मतलब मामा के जो बच्चे होते थे, उन सभी का मुंडन यहाँ पे होता था। और जब भी मुंडन होता था सिर्फ तभी आते थे और इस पूजा में बहुत कम ही शामिल हो पाते थे। तो अभी हम लोग जो गांव का प्राचीन मंदिर है जहाँ पे वार्षिक पूजा होती है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी हम आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही प्राचीन प्रथा है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसे नेचर की पूजा करते हैं वैसे टाइप कॉन्सेप्ट है। तो मंदिर आपको दिखा देते हैं पहले, फिर आपको बाकी बातें बताते हैं। तो ये है वो मंदिर जिसमें एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहीं पे उन्हीं की पूजा होती है और उनका ये नाम लिखा हुआ है। चलो आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष हैं, इनको बाबा बोलते हैं, इन्हीं की पूजा होती है और हर साल होती है। जो हिंदी में महीना बोलते हैं उसे आषाढ़ बोलते हैं, उसका कोई एक तिथि निकाला जाता है उस दिन, जो हमारी नानी का गांव है उस गांव से और आसपास के गांव से भी लोग आकर के उस दिन पूजा करवाते हैं यहाँ पे। आपके यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई पूजा है तो कमेंट कर देना। और यहाँ पे ये हैं कंडे जो लाए गए हैं, इन्हीं को जलाया जाएगा। फिर जो आटा होता है, आटे की जैसे लोई या पेड़ा, यहाँ पे तो भौरा बोलते हैं उसको, जैसे कि हम लोग लिट्टी बोलते हैं, सेम वही चीज़, बट वो सिर्फ आटे की बनती है और उसको गुड़ के साथ, लड्डू के साथ और भी प्रसाद वगैरह होता है उसके साथ खाया जाता है। यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने कंडे लगा दिए हैं जलाने के लिए। और ये हमारी बड़ी मामी की बड़ी बेटी हैं जो कि प्रसाद चढ़ा के आई हैं और वो सबको प्रसाद दे रही हैं। ये पूजा हमने बचपन के बाद अब देखी है अपने सामने, बहुत छोटे थे तब इस पूजा में आए थे, उसके बाद से आज आए हुए हैं हम। तो यहाँ पे सब लोगों ने तैयारी कर ली है, ये मामी है, इन्होंने तो बनाना भी शुरू कर दिया है। ये हमारे घर के सामने रहती हैं और जितने भी बीज वगैरह होते हैं ना गमले में लगाने के लिए, वो हम इन्हीं से लेते हैं। ये थोड़ा लिट्टी टाइप में जो बना रही हैं, जो प्रसाद बना रही हैं लिट्टी टाइप में, बाकी सब लोग प्योर जो आटा होता है उसी को गूंथ करके उसी की लोई टाइप बना करके उसको आग पे सेंकते हैं। और ये मेरी नानी और मामी की बेटी केसर दोनों लोग जला चुके हैं कंडे की आग और उस पे अब भौरों को पकाएंगे। ये देखिए चारों तरफ धुआं धुआं, सब लोग बनाने लगे हैं, सब लोगों की जो प्रसाद बनाने की रीति रिवाज है वो शुरू हो चुके हैं, मतलब सब लोगों ने भौरे बनाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे ये क्यूट सी बच्ची मिली थी जिसने जो बोला आप लोगों कर जरूर देना। तो यहाँ पे जितने भी गांव के बाकी लोग जो नहीं आए थे वो लोग भी आ चुके हैं, हमारी मामी भी आ चुकी हैं। ये रहा हमारा क्यूट सा भतीजा और ये रही हमारी छोटी मामी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने प्रसाद बना लिया, अभी सभी लोग भोग लगाएंगे और उसके बाद अपने खेत परिवार बच्चों की सबके सुख होने की
स्वस्थ होने की मनोकामना करेंगे और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी तो हम अपने भाई के साथ आ गए थे घर, यहाँ और घर जाके हम दवाई खा के आराम करेंगे क्योंकि आज ही हमें अपने घर के लिए निकलना है। वहाँ जाके ना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ऐसी अनुभव की प्राप्ति हुई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर देना। तो अभी हम रेडी शेडी होकर के दवाई वाई खा करके निकल रहे हैं अपने घर के लिए क्योंकि कल से हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जितना भी एग्ज़ाम टाइम में जितने भी लेक्चर्स छोटे हैं, बहुत सी प्रैक्टिस करनी बाकी है, वो सब फिर से एक बार रीस्टार्ट करना जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हम इतनी जल्दी आ रहे वरना एक दो दिन शायद और रुकते। फाइनली हम अपने घर आ गए हैं। चलो आप बताओ आप लोग को कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, करते फटाफट से चेंज और अभी हम आ गए अपने घर वाले अवतार में। चलो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय, सी यू सून।